मैं राजेश कुमार पश्चिम बिहार से हूँ। मुझको डायबिटीज की थोड़ी देर से मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पैरों में जलन, कुछ ऐसे सिम्टम्स थे मुझको, बार बार प्यास लगनी। तो मैंने अपना HbA1c टेस्ट जो 3 महीने का होता है वो करवाया, तो उसमें जो मेरी ब्लड शुगर लेवल था वो 9.3% निकला, तो दैट वाज क्वाइट हाई। तो मैंने इसके लिए पूछा, तो देर आर सो मेनी पैथीज लाइक एलोपैथी, आयुर्वेदिक सिस्टम एंड होम्योपैथी सिस्टम। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पहले एलोपैथी पर जाऊं, तो मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक सिस्टम को लिया जाए। तो इसके लिए मैंने गूगल पर जाकर सर्च करा, तो प्रिस्टन केयर एक संस्था मुझको मिली, तो जो पंजाबी बाग क्लब रोड पर थी, तो मैंने उसको इसलिए भी प्रेफर करा फ्रेंकली स्पीकिंग कि वो मेरे घर के पास थी, आई एम फ्रॉम पश्चिम बिहार। तो मैंने उनको अपॉइंटमेंट के लिए फोन करा, तो उनका जो हेड ऑफिस गुड़गांव से, वहां मिस्टर शशांक सिंगल जी, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बाद में अपना बताया नाम, तो उन्होंने मुझको पूछा क्या डिजीज है, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरी HbA1c जो उसका टेस्ट की ये रिपोर्ट थी, तो मैंने आयुर्वेदिक पैथी में जाना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझको गाइड किया। तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनको पहले बोला कि मैं इसलिए, मेरे पास है इसलिए मैंने आपको फोन करा। तो उन्होंने मुझको सारे सिम्टम्स मेरे से पूछकर लॉजिकली मुझको समझाया, तो आई गॉट फुली सेटिस्फाइड। तो तब उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट करवाई, तो ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, दैट वाज ऑन सैटरडे, तो मेरी अपॉइंटमेंट शाम को 6:20 पर। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर नेहा जी हैं, नेहा कौशिक जी, तो उनसे करवाई। तो मैं यहाँ पर विजिट करा, तो सिम्टम्स वही मैंने बताए जो मैंने फील कर रहा था और जो मैंने उनको शशांक जी को बतलाए थे। तो नेहा जी ने मुझको प्रॉपर पूरा टाइम दिया, आधा घंटा मुझके साथ चर्चा करी और मुझको मेडिसिन लिखकर दी आयुर्वेद की, और कहा कि 1 महीना इसको यूज करके फिर आपको दोबारा फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी दोनों की ब्लड शुगर करके 1 हफ्ते के बाद आना है। तो ये 11 तारीख की बात है। तो उन्होंने भी मुझको पूरी तरह सेटिस्फाई किया, लॉजिकली समझाया, साइंटिफिकली समझाया, कितनी टाइम उन्होंने मुझको दिया। तो आज संडे को उनके कहे अनुसार मैंने 1 हफ्ता परहेज भी किया खाने का, और जो उन्होंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी थी वो भी मैंने ली। तो आज हफ्ते के बाद मैंने अपना ब्लड शुगर फास्टिंग का और वो जो पीपी था वो दोनों करवा के मैं रिपोर्ट लेकर आया। तो शुगर तो अभी है मेरी ज्यादा है, लेकिन एनी हाउ 1 हफ्ता भी हुआ है, मुझको पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज उन्होंने वही दवाई दोबारा कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन को बोला है, और आई विल गो फॉर हिज एडवाइस। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो प्रेस्टन केयर है ये बड़ी अच्छी एक संस्था है, लोगों को पता नहीं है, इसको पता होना चाहिए। और ये जो एलोपैथी सिस्टम है इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इससे बेहतर है कि ये हम आयुर्वेदिक सिस्टम में जाएं, और जैसे हमारे ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं। खासतौर पर मैं तो फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखला रहा हूँ, और नेहा जी ने तो बिल्कुल ही अच्छी तरह, फिर उन्होंने मुझको आधा घंटा दिया भी और फिर अच्छी तरह सुना, और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको उस स्टेज पर ले आएंगे कि एक दवाइयों के बगैर भी आपका ठीक होएगा। तो एक विश्वास भी होना चाहिए एक बंदे को, विश्वास के साथ और पूरी दवाई खाए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैथी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। एंड मैं आखिर में यही कहूँगा कि प्रिस्टन केयर जो है एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है और अच्छे डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं, और हम सबको इसका फायदा लेना चाहिए।